हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने सेकेंड क्लास लेके आई हूँ मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक की। वही मैं आपको तीन सवाल कराऊंगी, 2 मिनट के अंदर आपके तीन सवाल होंगे, ठीक है। वो तीनों सवाल अलग अलग टॉपिक से होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होंगे, जैसे कि आपके अलग अलग तीन टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। रेगुलरली क्लास आपकी 12 बजे चलती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डेली ये वीडियोस मिलती रहे। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये वो सवाल है जो आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जितने भी सवाल यहाँ मैं करवा रही हूँ, ये सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं, चाहे ALP हो, चाहे RP हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका NTPC हो, सवाल आपके रिपीट होते। तो ये सवाल आपको आने जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल सुन देखिएगा। सवाल पहला है, एक कबीले में कुछ बैल तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 12 है, कुल सिरों की संख्या 40 है, तो ज्ञात कीजिए कबीले में कितने बैल हैं, ठीक है। सवाल देखना, बैलों की संख्या पूछ रहे हैं कितने बैल है। बैल का मतलब चार पैर वाला, चार पैर वाला जानवर। जब चार पैर वाले की जानवर की बात है तो फॉर्मूला देखना, बहुत ध्यान सुनना। L/2 - H, बस खत्म। L कितने, पैर कितने, L का मतलब लेग्स, पैर कितने 112 है, अपॉन का 2, माइनस का सर कितने 40। करिए, 2 6 12 नहीं 2 5 10 2 6 56 56 माइनस 40 कितना हो गया 16। मतलब बैल कितने हैं, बैल 16 है। सिंपल, कितने हो गए बैल, कितने हैं 16 बैल हैं। जब चार पैरों वालों की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाइए, सीधा आंसर निकालिए। अगर पूछ ले दो पैरों वाले की, मतलब मुर्गों की संख्या पूछता, तो क्या करते, सर कितने 40, 40 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे बैल पूछे, चाहे मुर्गे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया वो पहला सवाल। दूसरे सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल दूसरा अपना, 20 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किसी किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण, सवाल किसका है, मिश्रण का है, का मूल 24 हो जाए। मतलब एक चावल है 20 रुपए के, सवाल दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, एक चावल है 20 रुपए का, एक चावल है 32 का, दोनों को मिला दिया, एक नई वैरायटी का चावल बनाया 24 रुपए का। देखो जो नई वैरायटी बनाई है वो इन दोनों के बीच की है, 20 से ऊपर 32 से कम, ठीक है। तो क्या करेंगे, कर लीजिए ऐसे, 24 - 20 = 4 हो गया, 32 - 24 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो कितना हो गया, ये 2:1, कितने रेशो में जाएगा, 2:1 में के मिश्रण में मिलाएंगे तब आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसका 2 हिस्सा, इसका 1 हिस्सा, क्लियर हो गया सवाल आपको। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, अगला सवाल पढ़िए और बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु को 960 में बेचने से, किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 540 क्रम के बेचने से हुई हानि के बराबर है। सवाल सुनना, बहुत आसान सवाल है, आसान भी और इंपॉर्टेंट भी, सवाल को सुनना बहुत ढंग से। क्या है, अगर उसने, एक लाइन खींच लो, देखो ये लाइन कब खींचेगी, जब एक ही वस्तु हो, एक ही वस्तु हो, ये लाइन कब खींचेगी, जब एक ही वस्तु, ध्यान देना, सेम वस्तु को अगर 960 में बेचा जाए तो मान लीजिए x रुपए का लाभ हुआ है, अगर सेम वस्तु को 540 में बेचा जाए तो x रुपए की ही हानि हुई है। ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ध्यान देना। जब सेम वस्तु का लाभ हो, सेम वस्तु की हानि हो, तब ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, अब दोनों को ऐड कर लो, 960 अपॉन का 550 कितना हुआ, 1500 कितना हो गया 1500 अपॉन क्या करेंगे, ये प्लस ये को डिवाइड कर दीजिए, मतलब एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 750, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 750 रुपए। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 750 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर हुआ सवाल आपको। दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दें, 2 क्यों किया, एक्स प्लस एक्स 2 हुआ ना, इसलिए। अगर मान लो यहां पर 2x होता तो 3 से डिवाइड करते, x प्लस 2x, अगर यहां भी 3 होता तो 5 से डिवाइड करते, इसमें कोई फर्क नहीं आता, इन दोनों को प्लस ही करना था, पर यहां डिवाइड कैसे करते, जहां जितनी वैल्यू दे रखी होती उनको प्लस करने के बाद डिवाइड करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ सवाल आपको। तो कितना हो जाएगा 750 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा हो कुछ नया सीखने को मिला है और आपके वीडियोस काम आने वाली हैं, तो आप सभी इसको शेयर कीजिएगा, इतना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और
अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको ये वीडियोस और भी मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ध्यान दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।